सब्सक्राइब करिए फर्नीचर रियाज चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू फर्नीचर रियाज दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम वीडियो बना रहे हैं अपने बड़े बड़े पेड़ होते हैं जैसे, उनका हम घन फिट कैसे निकाले। इंग्लिश में हम इसको वुडन लॉग बोलते हैं कि जैसे बड़े बड़े पेड़ों का हमने घन फिट निकालना होता है। तो दोस्तों मेरी गुजारिश आपसे यही है के वीडियो को आप पूरा देखे कीजिए, क्योंकि कई कारपेंटर भाई वीडियो को पूरा देखते नहीं है और कमेंट देने चालू कर देते हैं। दोस्तों 18 मिनट की वीडियो ये आप ही के लिए हमने बनाई है। बड़ा टाइम लगता है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हमने इसमें एक एक चीज आपको समझा दी है भी कैसे निकला है, कैसे निकला इसमें अंदर, किस हिसाब से निकला है। दोस्तों वीडियो में चलते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि गोल लकड़ी को कैसे नापा जाता है, मतलब गोल लकड़ी की कैसे हम धान फिट निकाल सकते हैं। जैसे हमें ये देखो, ये एक वुडन लॉग है। इसका मतलब हमें क्या करना है, इसका सरकमफ्रांस देख लेना है, मतलब ये इसका सरकमफ्रांस देखना है और इसकी लंबाई देखनी है। और हमें इसका पहले तो इसकी लंबाई देख लेनी है, इसका सेंटर निकाल लेना है लंबाई का। जैसे मान लीजिए 10 फुट है, मान लीजिए 10 फुट है, तो 10 फुट का कितना आधा हो जाएगा, 5 फुट हो जाएगा। तो 5 फुट के मतलब बीच में से बिल्कुल इसको ना ऐसे गोल इसका ये सरकमफ्रांस निकाल लेनी है, इसकी गोलाई निकाल लेनी है कितनी आ रही है। इसकी गोलाई मान लीजिए हमारी 48 इंची है, 48 इंचीज। देखा, अब मैं आपको फिगर में करके बताता हूँ। ये हमने जैसे भी मैंने आपको वुडन लॉग में बताया था कि ये 10 फुट का ऐसे लंबा है, लेंथ है इसकी, और जो इसकी गोलाई है दोनों तरफ से वो है हमारी 48 इंची। और क्या करना है हमें, एंची टेप को एकदम इसका सेंटर निकाल लेना है, 10 फुट का, 5 फुट ऐसे, 5 फुट इधर, और हमें इसके बीच के बिल्कुल बीच में से ना इसके मतलब एंची टेप लपेट के देख लेना है इसका सरकमफ्रांस कितना है। हमें इसका सरकमफ्रांस पता चल गया कि 48 इंची का है, और इसका फॉर्मूला बड़ा सरल फॉर्मूला होता है। हम घन फीट को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, और जो हम गोलाई को हम सरकमफ्रांस कहते हैं। गोलाई को हम जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये गोलाई हम जैसे एंची टेप से नापते हैं, इसको हम इंग्लिश में सरकमफ्रांस कहते हैं, सरकमफ्रांस। और लंबाई को हम लेंथ कहते हैं, और हम इसको डिवाइड कर देंगे 2304 से। इसकी सरकमफ्रांस हमें पता है कितनी है, पर ये हमें ध्यान रखना है कि जो इसकी सरकमफ्रांस है ना, जो इसकी सरकमफ्रांस है वो इंची में ही रहेगी। सरकमफ्रांस हमें इंची में रखनी है, और लेंथ जो हमें रखनी है वो फुट में रखनी है। इस फॉर्मूले में ऐसा करना है, जो हमें इसकी सरकमफ्रांस है वो हमें इसकी इंची में रखनी है, और जो लेंथ है मतलब जो इसकी लंबाई है वो फुट में रखनी है। ये लेंथ को हमें इंची में नहीं कन्वर्ट करना, और ना इसको सरकमफ्रांस को फुट में कन्वर्ट करना है। बस सीधा बस जो इसकी सरकमफ्रांस है वो उसको इंची में ही रखना है, और जो लेंथ है उसको फुट में ही रखना है। अगर आपने इसको इंची में कन्वर्ट कर दिया तो गलत हो जाएगा आपका। ये सरकमफ्रांस है कितनी हमारी, 48 का स्क्वायर इंटू लेंथ कितनी हमारी, 10 2304। अब हम इसको ये कैलकुलेटर से निकालेंगे, 48 का स्क्वायर इंटू 10। ये 48 को हमने दो बार लेना है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 48 इंटू 48। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको 10 इंटू 2304। अब हमें इसको हमें कैलकुलेटर में क्या मल्टीप्लाई करके देख लेना है, 48 इंटू 48 इंटू 10 कितना आ गया हमारा, 23040। और हमें इसके डिवाइड कर देना है 2304 से, डिवाइड कर देना है 2304 से, तो हमारा आ जाएगा कितना आ गया, 10 फुट क्यूब आ जाएगा हमारा। हमारा इतनी धान फिट निकल गई इस वाले वुडन लॉग की, हमारी इस वाले वुडन लॉग की इतनी हमारी 10 फुट क्यूब हमारी धान फिट निकल चुकी है। अगर मान लीजिए कि हमारा 1 फुट क्यूब ₹1200 का है, तो 10 फुट क्यूब कितने तक का आ जाएगा, तो हम इसको सीधा है सरल बड़ा सरल तरीका है, इसको 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ₹12000। अब बहुत बहुत जो मेरे सब्सक्राइबर है वो पूछते हैं कि ये 2304 कहां से आया। बहुत सारी YouTube वीडियोस में मैंने भी देखा है कि किसी ने भी नहीं बताया कि ये 2304 आया कहाँ से है।
ये किसी ने मतलब सबने रटा हुआ है कि 2304 आया कहाँ से, सब ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है कि 2304 आया कहाँ से है। अब मैं आज मैं आपको बताऊंगा कि ये 2304 आया कहाँ से है। दोस्तों मैंने भी आपको बताया था ना कि सरकमफ्रांस निकालना है इसका, बीच में से ऐसे हमने 10 फुट ऐसे ले लिया था तो इसका आधा करके हमें सरकमफ्रांस निकालना था 5 फुट। तो मैं आपको बताऊंगा कि सरकमफ्रांस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रांस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। टू पाई आर, इसका फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रांस ऑफ अ सर्कल का 2πr। और हम सर्कमफ्रांस को हम सी से डिनोट करते हैं, मतलब सी से दिखाते हैं सर्कमफ्रांस को। जैसे गोलाई होती है ना, गोलाई पूरी, इसकी गोलाई हमने एंची टेप से नापी थी पूरी, इसको खोल के गोलाई नापी थी, तो उसको हम सी से कहते हैं, इसको सर्कमफ्रांस कहते हैं गोलाई को। टू, इसको लिख सकते हैं हम 2πr। अब जैसे ये गया सी इक्वल्स टू 2πr, ये हमारा आर क्या है, इसमें रेडियस है आर इसमें हमारा रेडियस है, और सी क्या हमारा, मैंने भी आपको बता दिया सरकमफ्रांस है। अब हमें धान फीट निकालनी है, धान फीट को भी मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ सर्कल, सर्कल वॉल्यूम ऑफ अ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है हमारा धान फीट का पाई आर स्क्वेयर एल। इसमें हमारा आर क्या है, रेडियस है, रेडियस मतलब क्या हो गया, जो इसका डाया होता है ना पूरा, इसका डाया, तो जो मैंने आपको बताया था इसमें ये पूरा डाया होता है, इसका आधा मान लेना, जैसे ये इसका पूरा, जैसे हमने डाया मान लिया था, इसका डाया होता है ना, ये डाया होता है, इसका आधा, इसका इसको कहते हैं रेडियस, आधे को कहते हैं रेडियस, इसको कहते हैं डाया, पूरे को कहते हैं डाया, ठीक है। और एल को हम क्या कहते हैं, लेंथ, लंबाई। अब हमने क्या करना है, जो ऊपर जो हमने वैल्यू निकाली थी ना आर, वो हमने इसके अंदर डाल देनी है, आर की वैल्यू पाई सी 2πका इसका होल का स्क्वायर इनटू एल। अब क्या आ जाएगा, पाई सी स्क्वायर 4πस्क्वायर इनटू एल। अब पाई से पाई ये कट जाएगा स्क्वायर से, अब के ऊपर क्या बच जाएगा, सी स्क्वायर एल अपॉन 4πr, ये रह जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमारा जो ये सरकमफ्रांस है ना, सरकमफ्रांस मैंने आपको पहले भी बताया था, सरकमफ्रांस को हमें क्या रखना है, इंचीज में रखना है, और लेंथ को हमें फुट में रखना है। सरकमफ्रांस है हमारी जो, सरकमफ्रांस इन इंचीज और लेंथ इन फुट। अब जैसे सी को डिवाइड करना है हमने 12 से, 12 से हमें सरकमफ्रांस को इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि जो इंच है हमें उसको फुट में बदलना है। सी बाय 12, सी डिवाइडेड बाय 12 इंटू एल डिवाइडेड बाय 4πr, तो कितना आ जाएगा हमारा, सी स्क्वेयर अपॉन एल 12 × 12 × 4πr। अब जो हमारा वैसे पाई की वैल्यू, वैसे हमारी पाई की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 3.14 होती है, पर हमें इस वाले फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए, जो मैं अभी मैंने आपको बताया था कि 2304 इस वैल्यू को लेके आने के लिए इसमें थंब रूल होता है, थंब रूल के लिए हम इसको अप्रोक्स करके चार, इसको 3.14 को 4 मान लेते हैं। जो पाई की वैल्यू ऐसे तो 3.14 होती है, पर इस वाले फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए 2304 के लिए हम इसको थंब रूल यूज करते हैं, जिसमें पाई की वैल्यू 4 मानी जाती है। इसमें हम पाई की वैल्यू 4 मानेंगे, सी स्क्वायर एल 12 × 12 × 4 × 4। अब इसको हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे कि इसकी वैल्यू जो हमने बताया था वो आ रही है कि नहीं आ रही है। 12 × 12 × 4 × 4 वही आ गई ना वैल्यू जो मैंने आपको बताया था, 2304। देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर पे ये आ गई 2304, सी स्क्वायर एल अपॉन 2304।
दोस्तों मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा ये 2304 कहाँ से आया है। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि ये 2304 कैसे आया है, ठीक है दोस्तों। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि ये 2304 आया कहाँ से, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है समझाने की आपको कि ये 2304 आया कहाँ से है। दोस्तों कुछ पेड़ हमारे क्या होते हैं, ऊपर से मतलब जैसे पतले होते हैं और नीचे से मोटे होते हैं, तो अब इनकी हम धान फीट कैसे निकालें वो मैं आपको अब इस डायग्राम के जरिए बताऊंगा कि इनकी धान फीट कैसे निकाली जाती है। ऐसे कुछ पेड़ आगे से तो ऊपर से तो पतले होते हैं और नीचे से मोटे होते हैं, तो इनकी किस प्रकार से धान फीट निकाली जाती है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इसी से ही मान लेते हैं कि जो इसका ऊपर का है, इसका जो ऊपर का है ये तो 18 इंची है, जो ऊपर की जो इसका वो है ना, ये सरकमफ्रांस है जो उसका हमने एंची टेप से अगर हम नापेंगे इसको, मान जैसे हमने एंची टेप से नापे, एंची टेप से नापे तो इसकी हमने वैसे है तो नहीं 18 इंची, मैं आपको वैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि ये 18 इंची मान लीजिए, समझाने के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ये 18 इंची हो गया इसका, ठीक है। और ये हमारा जो ये पीछे से है ये हमारा है 22 इंची, इसको मान लिया, इसको 22 इंची मान लेते हैं, ये 22 इंची मान लिया, ये 22 इंची है, ठीक है। और अब हमें इसकी क्या करनी है, लंबाई निकालनी है, लंबाई हमने इसकी मान ली 30 फुट है, कितनी है 30 फुट मान ली, ये इंची में, ये दोस्तों याद रखना ये चीज इंची में ही रहेगी, जो सरकमफ्रेंस है वो इंची में ही रहेगा, जो लंबाई है लेंथ है, गोलाई हमारी इंची में रहेगी, जो लंबाई है वो हमारी फुट में रहेगी, फुट में। और जैसे 30 फुट हो गया, इसका आधा कितना होएगा 15 फुट हो गया, इसका आधा कितना हो गया हमारा 15 फुट हो गया ना इसका। अब 15 फुट से देखनी है कि इसकी गोलाई कितनी है, 15 फुट से एकदम सेंटर से देखनी है, मतलब 30 का सेंटर कितना होगा 15 होगा ना, तो 15 से देखना है कि इसकी गोलाई कितनी होगी, और हमने इसकी गोलाई मान ली कितनी है 20 फुट है, इसकी हमने अंदाजे से मान ली कि 20 फुट है, सॉरी 20 इंची है, 20 फुट नहीं है 20 इंची है, ये 15 फुट ऐसे चौड़ी है, मतलब इसका जो आधा हमने इसका निकाला सेंटर निकाला वो 15 फुट है, जो इसकी हमने गोलाई निकाली है वो 20 इंची है, फुट नहीं है 20 इंची है। अब मैं आपको बताता हूं डायग्राम के थ्रू जैसे क्या है, पहले क्या निकालना है, जैसे हमने अभी मैंने आपको बताया था कि इसे वुडन लॉग के पीस से, अब मैंने आपको बताया था कि ये 22 इंची का है पूरा, ये आगे वाला आखिरी वाला 18 इंची का है, और अगर हम इसका सेंटर निकालते हैं 30 फुट का सेंटर निकालते हैं कितना आता है सेंटर इसका 15 फुट, ये 15 फिट है, ये 22 इंची है 18 इंची है, अगर हम इसका 30 फुट का सेंटर निकालते हैं वो आता है हमारा 15 फुट आता है, और हम अगर इसके सेंटर से अगर हम इसका गोलाई का नापे तो कितनी आती है 20 इंची आती है। अब क्या करना है हमें, अब हम तीनों का क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, एवरेज इसकी गोलाई निकालेंगे कितनी एवरेज है, ये तीन तरीके की है ना, ये 22 है एक, 20 है एक, 18 है, इनकी एवरेज निकालेंगे, एवरेज सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, एवरेज सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कितनी होगी हम इसकी निकालेंगे, अभी एक तो होगी 22, एक होगी हमारी 20, एक होगी हमारी 18, इसको डिवाइड कर देंगे हम तीन से, अब कैलकुलेटर पे देखते हैं हम, 22 जमा 20 जमा 18 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गई 20, 20 इंची के करीब आएगी ये, इस पर निशान निकालेंगे हम, ये 20 मतलब इसकी आएगी 20 इंची के करीब आएगी, इसकी जो इसकी गोलाई है ना इसके 20 इंची के करीब आएगी गोलाई जो है इसकी सरकमफ्रेंस की। अब जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला था, जहाँ यहाँ पे हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाला था ना, मतलब वॉल्यूम को मैंने आपको पहले बताया था धान फीट कहते हैं इंग्लिश में, इसको धान फीट कहते हैं ना वॉल्यूम को, ये धान फीट कहते हैं ना इसको इंग्लिश में वॉल्यूम को, अब बता रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ अ सर्कल, इसका ही मैंने आपको फॉर्मूला अभी ड्राइव करवाया था, ये वाला ये कैसे आया 2304 अभी मैंने आपको बताया था, ये वॉल्यूम निकाल रहा हूँ मैं आपकी सी स्क्वायर इंटू एल अपॉन 2304, सी कितना है हमारा
सरकमफ्रेंस आपको मैंने बताया था कि सी को हम डिनोट करते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सी को हम सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कहते हैं। अब ये तीनों अलग अलग थे, पहले हमने इनका 30 का मिडल निकाला, फिर इन सब का एवरेज निकाल दिया, डिवाइड कर दिया ना तीन से, तीन हिस्से थे इनका, एवरेज निकाल दिया तीन से, डिवाइड करके हमारा 20 आया। अब इसके सरकमफ्रेंस की होगी, इसकी एवरेज सरकमफ्रेंस हमारी 20 होगी, तो वही हम इसके अंदर डालेंगे 20 को, 20 इंटू जो हमारी लेंथ है वो किसमें, फुट में, ये हमारी इंची में थी, ये हमारी इंची में थी, ये हमारी है फुट में, फुट कितना है 30 फुट, 2304। अब इसको हम कैलकुलेटर पे निकालेंगे, 20 × 20 × 30 कितना आ गया, 12000 आ गया। इसको अब डिवाइड करेंगे हम 2304 से, डिवाइडेड बाय 2304 कितना आ गया, 5.208, ये सीएफटी आ गया, सीएफटी मतलब क्यूब फुट आ गया, क्यूब फुट हमारा सीएफटी, जो मैंने आपको यहां पे लिखा था ना, ये फुट क्यूब, इसको क्यूब फुट, फुट क्यूब भी कह सकते हैं, सीएफटी भी कहते हैं इसको, 5.208। पॉइंट के बाद हम कभी ऐसे 208 नहीं बोल सकते, 5.208 ऐसे नहीं बोलते, पॉइंट के बाद हम हर एक वैल्यू को अलग अलग करके बोलते हैं, 5.208 ऐसे नहीं बोलेंगे, 5.208 हो गया, 5.208। अगर हम ऐसे, अगर आप कोई भी ऐसे बोलते हैं 5.208 वो गलत है, हमेशा पॉइंट के बाद एक वैल्यू को एक एक बोला जाता है, 5.208 ऐसे बोला जाता है, इसका आगे ही ऐसे। अब जैसे हमारे पास है एक फुट क्यूब है, वो हमारा जैसे 1200 के करीब है, 1200 रुपए के करीब इसका रेट है, तो हमारा 5.208 कितना आ जाएगा फुट क्यूब का रेट, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आ रहा है, 5.208 इंटू 1200, ये आ गया आपका, ये आपका 6250 मान लो अप्रोक्स, 6250 अप्रोक्स, 250 इतने पैसे बनेंगे आपके। मुझे आशा है कि आपको ये सारा समझ आया होगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको समझाने की है कि ये कैसे आया। बहुत सारी YouTube वीडियोस मैंने देखी है, फिर मैंने ये वाली वीडियो बनाई कि सब लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि ये 2304 कहाँ से आया। मैंने पूरी कोशिश करी कि 2304 आपको समझ आएगी कहाँ से आया है, आपको मैंने हर एक तरीके से बताया कि अगर मोटी हो, अगर एक तरफ से मोटी एक तरफ से पतली है तो आप उसका भी निकाल सकते हैं, अगर एक अगर अगर लकड़ी का टुकड़ा वुडन लोग है जो मतलब दोनों जगह से एक जैसा है आप उसका भी निकाल सकते हो। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों साथ में बेल आइकन का बटन है इसको जरूर दबाना कि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.